को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जानकी चांपा जिले के साराडीह जल बैराज परियोजना से प्रभावित किसानों के भीतर सुलग रही आग आज आंदोलन पर रूप ले ली है। किसान अब आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल में किसान बैराज के डुबान से प्रभावित जमीनों के मुआवजे के लिए पिछले 8 सालों से मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया। किसानों का कहना है कि ना तो उन्हें मुआवजा मिला है, बल्कि बिना मुआवजे के बैराज में पानी रोका जा रहा है, जिसकी वजह से महानदी के तटीय क्षेत्र के किसान फसल नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक दिनों दिन खराब होती जा रही है। लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, ना ही किसानों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। किसानों ने लगातार आला अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को मामले से अवगत कराया, लेकिन किसानों की किसी ने नहीं सुनी, जिसके कारण अब किसान आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल साराडीह गांव के बैराज पर ही कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वे जल सत्याग्रह करेंगे। तीन सौ 36/2 है और बैराज में बुढ़ा थे और आज ही ले पैसा मुआवजा देबो का कह रहे नहीं दे, और मतलब लिखित में भी दे है अहूज में नहीं दे थे तो कर धरना धरे हनगा। आज लगभग 8 साल हो गए बैराज बने, और बैराज के बने में जितकी बैराज के अधिकारी हैं और बड़े अधिकारी हैं तेमन खाली दिलासा दे थे। एक बार नहीं हमन 50 बार कोशिश करें हाथ जोड़ के, और जब हमार हाथ जोड़े में समझ में नहीं ऐसे तो आज हमन हड़ताल धरना प्रदर्शन करे बा आज मजबूर होके एठा खड़े हन महाराज बैराज में।